गुरुभ्यो नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ हुं हनुमतये नमः ॐ रं रामाय नमः ॐ मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ॐ शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय बात करेंगे। शुक्र ट्रांजिट करके जब स्कॉर्पियो में जाएंगे, मैं एक वीडियो दिया था जिसमें महिलाओं के लिए डेंजर है, विपद है, क्या कारण है। सारावली और सूत्राकार ज्योतिष सूत्र में, ज्योतिषार्णव में, सारावली में, दीपिका में क्या बता रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक एक सूत्र सारावली का। विद्वेषरति नृशंसो विमुक्त धर्मा विकत धनोति सठः सहज विरक्तो धन्यो विपन्न शत्रुस्तथा पापः अर्थ कुलटा द्वेषी बध निपुण बहुरूण दरिद्रश्च अलीनी सीते भवति पुमान गर्हित शिलः सुगृह्य गदा। शुक्र का ये बड़ा नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर बताता है। अगर आपके बार चार्ट में, कुंडली में ये शुक्र यहाँ है तो, या फिर ट्रांजिट में आ जाए तो ह्यूमन माइंड के अंदर एक प्रकार का पागलपन का सवार होता है। हालांकि अष्टम शुक्र को अच्छा जरूर कहा गया है, लेकिन यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के अष्टम में शुक्र का आना, और ये तो अष्टम में यहाँ पर गंडमूल भी है अष्टम को, तो गुप्त स्थान गुप्त ग्रह गुप्त बताया गया, गुप्त धन देता है, सडन धन देता है, लेकिन लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी देता है। हालांकि इस बार वो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि गुरु का दृष्टि है, लेकिन और ज्यादा वनरेबल हो सकता है शुक्र मंगल, शुक्र के ऊपर मंगल को और राहु और शनि का भी दृष्टि है। और इसीलिए इससे पहले मैं एक वीडियो दिया था, कलकत्ता जैसे दूसरा न्यूज आपके हम लोगों के जीवन में ना आए, सेमलेस चीज नहीं आए, उसके लिए सावधान होना चाहिए। हालांकि गुरु कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम। इस सूत्रकार क्या कहता है थोड़ा सा देख लेते हैं उसका अर्थ। सबसे पहले विद्वेषरति नृशंसो, इस समय लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर नृशंसता बढ़ेगा। इसीलिए मेरे को कोई बोला था कि लड़की को समझाएं या नहीं, बोला चुप रहो मत समझाओ। और क्या लोकद्वेषी, द्वेष करने का भाव बढ़ता है। सुख अनुस्वयी रागम दुख अनुस्वयी द्वेषम, तो द्वेष अर्थ आप समझ गए होंगे। और ह्यूमैनिटी मेंटेलिटी में देखिए, शुक्र को बताया गया कर्मदाताय विद्महे शुभ कर्माय धीमहि तन्नो शुक्र, तो शुक्र गायत्री है ये। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होने वाला है, मनुष्य के हृदय में ये जो शुक्र है पंचम में बैठे तो आदमी को बड़ा बड़ा पोलाइट और भद्र बनाता है, अष्टम में बैठ जाए इस जगह में तो निर्दयी बनाता है, निर्दयो विधर्मी, और लोगों के अंदर धर्माचार घट जाता है। कुंडली में हो तो वो व्यक्ति को विधर्मी ही कहा जाएगा। और विवादी, छोटे छोटे बात में झगड़ा करना और अशांति होना, क्रूरता बढ़ना, जिन महिलाओं में, जिनके कुंडली में यहाँ बैठा हो तो देखना उनके बीवी लोगों के अंदर ऐसी स्थिति हो सकता है, या उनके कुंडली में ऐसा हो तो उनको साथ भी हो सकता है। सठ सहोदर विरोधी, सठ सठ समझते हो, ये तो मुझे नहीं पता क्या अर्थ होगा, लेकिन जिसको बोलते हैं लेस कॉन्शियसनेस, या स्थूल बुद्धि या जड़ बुद्धि संपन्न, या जिसको लज्जा नहीं लगे, वो तो बेलज्जा होता है। लेकिन और क्या, अपने लोगों के द्वारा उसको बहुत विरोध मिलता है और हतभागा होता है, भाग्यहीन, लॉक फैट का कमी, और क्या होता है, शत्रुओं के द्वारा बारंबार संताप और पीड़ा मिलता है। अब यह आ रहा है तो इस प्रकार का रिजल्ट कुछ देखने में आएगा, तो वो लोगों के अंदर क्रूरता हिंसा बढ़ेगा। और यहाँ लिख भी दिया गया है गतिशील सुगुह्य गदह विचाम अनिल सते भवति पुमान बहुरुणो दरिद्रश्च, जिसके कुंडली में है ऋण, बहुत सारे ऋण होता है और दरिद्र होता है, और यहाँ पापी पाप करने में पीछे नहीं हटता है और दुखी रहता है, और उल्टा स्त्री के चक्कर में द्वेषपूर्ण जीवन, और यहाँ पर हिंसा बढ़ाता है, हिंसुको बहुरूणी, हिंसा भावना बढ़ता है,
दरिद्र नीच नीच प्रवृत्ति निज व्यवहार इसके अंदर आ जाता है। और गुह्यरोगी मैं बता रहा था ऑलरेडी, मैं सूत्रकार यहाँ लिख रहा है, मैं उस समय बताया था गुप्तांग में रोग होना, इन्फेक्शन होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, मलकंटक इत्यादि का भी इस प्रकार का स्थिति दिखाता है। और यहाँ शुक्र हालांकि ऑकल्ट इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है, ज्योतिष विज्ञान इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सडन धन देने के लिए बहुत अच्छा है, और एक्स्ट्रा मेरिटेरियल अफेयर्स का बहुत ज़्यादा संभावना इस समय रहता है, और इसमें सपोर्टिव भी करता है। और सबसे बड़ा यहाँ इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कामना वासना में वृद्धि, और मन में धन के प्रति लोलुपता, दूसरे का चीज मारने के प्रति इच्छा, दूसरे का बीवी के प्रति बड़ा सारा आकर्षण, कई सारे बहाना करके व्यक्ति इस समय फंसते रहता है। यानी इट इज ये एक प्रकार का नॉट गुड ट्रांजिट भी कहा जाएगा, और इसमें सावधान बरतना बहुत 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 जरूरी रहता है। और शुक्र यहाँ पर तीन नक्षत्र को क्रॉस करेगा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो विशाखा में शुक्र जब चलता है, वृश्चिक विशाखा में, तुला विशाखा नहीं, तो मानसिक अशांति बढ़ता है, और कर्म क्षेत्र में बड़े सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, और अपने खुद का स्त्री के द्वारा अशांति, और यहाँ पर कुकर्म निरत रहता है, और परोपकार भाव इसके अंदर से हट जाता है। अच्छा, जब अनुराधा में शुक्र यहाँ कुछ दिन गोचर करेगा, तो यहाँ जो लोग ड्रामा नौटंकी करने वाले हैं